एसआरके के फैंस को लग सकता है तकड़ा झटका, डॉन 3 में एसआरके की जगह ली इस एक्टर ने। दोस्तों डॉन 3 मूवी सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों एसआरके के फैंस को उस वक्त झटका लगा जब एसआरके की फिल्म छोड़ने की खबर आई। इसके बाद से अपडेट का इंतजार किया जा रहा था कि नया डॉन कौन होगा। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस बार डॉन फ्रेंचाइज में एसआरके की जगह किस एक्टर को चुना गया है। दोस्तों फिल्म पठान की सक्सेस के बाद से ही एसआरके की अगली फिल्म जवान और डंकी के बाद कौन सी मूवी होगी इसको लेकर चर्चाएं होने लगी थी। उसमें से एक डॉन 3 भी थी। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले डॉन 1 और डॉन 2 सुपरहिट साबित रही हैं। इसी के चलते एसआरके के फैंस डॉन 3 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके लिए अब बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब एसआरके डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि एसआरके की जगह मेकर्स ने फिल्म में रणबीर सिंह को लेने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि एसआरके के ना कहने के बाद मेकर्स भरोसेमंद चेहरे की तलाश में थे, जो रणबीर के हाँ कहने के बाद पूरी हो गई। कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि एसआरके डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। अब रिपोर्ट्स की माने तो नए डॉन के तौर पर मेकर्स ने रणबीर सिंह के नाम को फाइनल कर दिया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि प्रोडक्शन हाउस के साथ रणबीर ने गली बॉय और दिल धड़कने 2 जैसी फिल्में कर चुके हैं और दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई भी की थी। अब डॉन 3 की सक्सेस की जिम्मेदारी भी रणबीर के कंधों में डाली जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जल्द ही एक वीडियो के साथ फिल्म का धमाकेदार अनाउंसमेंट भी करेंगे। रणबीर के साथ ये वीडियो शूट भी हो चुकी है। वहीं दोस्तों बीते साल रिपोर्ट्स थी कि मेकर्स अमिताभ बच्चन और एसआरके दोनों को डॉन 3 में लेना चाहते थे और रणबीर सिंह का इस मूवी में कैमियो रखा गया था। अगर बात करें एसआरके के इस फिल्म में ना होने की वजह पर, तो बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद फिल्म छोड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके अब सिर्फ कमर्शियल फिल्में करना चाहते हैं। खैर दोस्तों आप रणबीर सिंह को डॉन के किरदार में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।